गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे क्लास इज क्लास 7th, एक्सरसाइज 2.5। कल हमने 2.5 के क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड किया था। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4th। ठीक है, अब हम जो ये एक्सरसाइज कर रहे हैं वो हमने किसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें कि हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, मीटर को हम किलोमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ग्राम को किलोग्राम में कर रहे हैं, है ना। तो ये वाले क्वेश्चन हम कर रहे हैं एक्सरसाइज में, तो फोर्थ क्वेश्चन भी सेम उसी के बेस पे ही है। क्वेश्चन नंबर 4th है हमारा, एक्सप्रेस इन केजी, यानी आपको ग्राम दिया हुआ है और आपको उसको किस में बदलना है, किलोग्राम में बदलना है। और आपको मैंने कल भी बताया था कि एक ग्राम के अंदर कितने किलोग्राम होते हैं, 100। ठीक है, मतलब एक केजी के अंदर कितने ग्राम होते हैं, 1000। तो देखो, लेट अस कंसीडर 1000 ग्राम 1 केजी, यानी 1000 ग्राम मिलके क्या बनता है, 1 किलो बनता है, 1 केजी बनता है। तो 1 ग्राम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/1000। सिंपल सा है, हमने कल भी ये क्वेश्चन किया था। तो फर्स्ट है हमारा 200 ग्राम। ठीक है, 200 ग्राम हमने इसको कन्वर्ट करना है किलो में। तो 200 ग्राम कितना, 200 और साथ में क्या ग्राम में निकालते हैं, तो 1/200। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/ कितना है, ये 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, देखो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 2 1 2 2 5 10 कितना आ जाएगा, 1/5। और 1/5 को अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो आंसर आएगा हमारा 0.2। देखो 1 नहीं आता, हमने यहाँ जीरो लगाई, ऊपर जीरो चढ़ गई, और 5 2 जा कितने होते हैं, 10। तो कितना आया, 0.2 kg। आ गया समझ में। अब सेकंड आपको दिया हुआ है आपका क्वेश्चन 3470 ग्राम। ठीक है, सेम वही पोर्शन है, 3470 मल्टीप्लाई 1/1000, इसको इससे करेंगे तो कितना जाएगा, 3470/1000, जीरो से जीरो कट की। ठीक है, अगर हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आएगा, देखो मैं करके दिखाती हूँ, 347 को अगर मैं 100 से करती हूँ तो 3 पे जाएगा ये पहले, 347, ऊपर जीरो लगाई पॉइंट लग गया, फिर जीरो लगाई, फिर किस पे गया ये, 4 पे, 470 आ गया, फिर मैंने एक जीरो लगाई, फिर आ गया, फिर किस पे चला गया ये, 7 पे, 700। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 3.47 kg। आया समझ में। अब इसका है थर्ड पार्ट, 4 kg 8 ग्राम। अब देखो भाई, हमने ये ग्राम को कन्वर्ट करना था केजी में, यानी ग्राम को हमने बदलना है किलोग्राम में। अब 4 किलोग्राम ये तो ऑलरेडी हमें दिया ही हुआ है, तो इसको तो हम छेड़ेंगे नहीं। ठीक है, 8 kg, अब ये 8 ग्राम है तो हम इसको किसमें बदलेंगे, किलोग्राम में। तो 4 kg, अब 8, अब मैं मान लो दुकान वाले के पास गई, मैंने बोला कि मुझे 4 किलो चावल दे दो। ठीक है, फिर मैंने बोलूंगी नहीं, मुझे 4 किलो और 500 ग्राम चाहिए। तो देखो 4.5 किलो हो गया, हमें पता चल गया ना, तो क्या हुआ, दोनों को प्लस ही तो कर रहे हैं। तो 4 kg प्लस का सिंबल, 8 ग्राम है तो 8 × 1/1000, जो हमें ऊपर तक करते आए क्वेश्चंस में, 4 kg प्लस में कितना जगह, 8 × 1000, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.008, और 4 में इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.008 kg। ठीक है, डिवाइड करना मुझे पता है, अब आपको आ गया होगा बहुत अच्छे से, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। क्लियर, अब क्वेश्चन 4 कम्प्लीट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5th, राइट द फ्लोविंग डेसिमल्स नंबर्स इन द एक्सपेंडिंग फॉर्म। भाई देखो, डेसिमल जब नंबर अगर हमारे होते हैं, अभी तक हम क्या करते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, हमने ऐसे पढ़ते हैं ना। मान लो आपके पास कोई भी नंबर है, 2, 4, 6, 8, मान लो ये नंबर आपके पास, हमने ये प्लेस वैल्यू पूछी, ये क्या है हमारा वंस, ये क्या होता है टेंस, ये क्या होता है हंड्रेड, और ये क्या होता है थाउजेंड, होता है ना। लेकिन जब हमें पॉइंट डेसिमल में दे दिया जाता है तो ये हमारा है ना चेंज हो जाता है। मान लो देखो, फर्स्ट ही आपका दिया हुआ है 220.03, ये जरा थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, 20.03। अब जो हमारे जो ये पॉइंट होता है ना डेसिमल, इसको बोलते हैं हम, और डेसिमल से जो पहले वाले अक्षर होते हैं, डेसिमल से जो पहले वाले अक्षर होते हैं ये हमेशा किसमें चलते हैं, ये होते हैं हमेशा ही वंस, जो हमने ऊपर किए हैं टेंस। और जो डेसिमल्स के बाद वाले होते हैं, देखो यहाँ पे ESES चल रहे है ना, और यहाँ जो डेसिमल के बाद चल रहा है ना बेटा, ये हमेशा पीछे से नहीं या पहले अक्षर से शुरू करते हैं, पहला बात तो। और ये क्या होता है, ये होता है हमारा टेंथ, TENTH, यानी ES की जगह क्या लग जाता है, ये में TH लग जाता है।
और ये क्या है 3, ये क्या हो जाएगा 10th के बाद क्या आएगा सीधा 100th, अगर थर्ड नंबर होता तो ये हो जाता 1000, TH लग जाता है, ठीक है। और ये हमेशा मल्टीप्लाई में चलते हैं और ये हमेशा किसमें चलते हैं डिवाइड में, यानी 1/2 में चलते हैं। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी, ये क्या है 20.03। अब देखो पॉइंट से पहले वाले वंस और टेंस है ना, तो देखो पहला हमारा क्या है भाई वंस और दूसरा हमारा क्या है टेंस, ठीक है। तो स्टार्ट हम यहीं से करेंगे क्योंकि हमारी सीरीज ऐसे चल रही है, ये टेंस है तो 2 × 10 है ना, टेंस में टेंस ही करेंगे ना, 2 × 10 फिर प्लस ये जीरो किस में है वंस में, वंस है तो 0 × 1 आ गया समझ में प्लस में। अब डेसिमल शुरू हो गया हमारा, अब जो पहला डेसिमल था ये किस में था देखो हमारा यहाँ पे टेंथ में, टेंथ में लिखा है ना मैंने, टेंथ में था तो क्या हो जाएगा 0 × 10, अब टेंथ डिवाइड बोला है मैंने तो कितना हो जाएगा 1/10 फिर प्लस का सिंबल, और फिर क्या है ये हमारा 100 तो 3 × 1/100 आया समझ में, एक्सपेंड फॉर्म कैसे करनी है हमने। अब इसका सेकंड है 2.03, अब ये क्या है देखो भाई 2 पॉइंट सिर्फ एक अक्षर के बाद ही पॉइंट आ गया, तो देखो ये क्या है हमारा पॉइंट से पहले क्या है वंस है, तो 2 वंस है तो वंस ही करेंगे 2 × 1 ये वाला कंप्लीट हो गया, फिर प्लस में अब हमारा ये शुरू हो गया, पॉइंट के जस्ट बाद क्या होता है टेंथ फिर 100 तो 0 × 0 × 10 है ना तो 1/10 फिर प्लस में, फिर क्या है ये 3 ये क्या है टेंथ और ये है 100 तो 3 × 1/100 आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो ये क्या है डेसिमल, डेसिमल से जस्ट बाद देखो ये क्या है हमारा वंस, ये क्या है हमारा टेंस और ये क्या हो गया हमारा 100 है ना, हम यही करते हैं ना, और ये क्या हो गया हमारा टेंथ और ये क्या हो गया 100 है ना, तो हम देखो ये क्या करेंगे 100 वंस 10 100 तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगी 2 × 100 फिर प्लस का, ये क्या है भाई मेरा टेंस है 0 है तो 0 × 10 फिर प्लस का, फिर ये क्या है भाई 0 ये क्या है वंस पे तो 0 × 1 हो गया ये वाला डेसिमल से पहले वाला, अब प्लस का, अब डेसिमल के बाद वाला, और डेसिमल के बाद वाला क्या है हमारा 0 टेंथ पे है तो 0 × 1/10 यहाँ पे अब ये ऐसे होता चला जाएगा, फिर प्लस में, फिर क्या है 3 × 100 में है ना ये तो 1/100 क्लियर है ना आसान से, बस आपको ये याद रखना है कि डेसिमल के जो बाद वाला होगा वो क्या होगा हमारा टेंथ में आएंगे 100th TH लग जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है हमारा 2 डेसिमल से पहला अक्षर क्या है 2 और ये क्या है वंस पे तो 2 × 1 हो गया प्लस में, फिर ये क्या है देखो भाई अब डेसिमल के बाद वाले हैं ये 100th में टेंथ में आ गया, पहला टेंथ फिर 100th और फिर 1000 थर्ड अभी आ गया इसमें तो 0 × 1/10 प्लस में 3 × 1/100 प्लस में और 4 पे क्या जाएगा 1000 तो 4 × 1/1000 क्लियर है सबको। अब क्वेश्चन नंबर 6, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फ्लोविंग डेसिमल नंबर, कहते हैं प्लेस वैल्यू बतानी है हमने, जैसे हमने अभी फोर्थ क्वेश्चन में तो खोल के किया ना, अब वही प्लेस वैल्यू बतानी है 2 की प्लेस वैल्यू बतानी है। अब इसमें क्या है 2.56, अब इसमें 2 कहाँ है देखो भाई डेसिमल से पहले है और कौन सी प्लेस वैल्यू है ये वंस पे है ना पहला ही है ना, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2.6 क्या है ये 2 इज वंस प्लेस पे, क्या है वंस प्लेस पे, ठीक है। अब इसमें देखो 2 की प्लेस वैल्यू क्या है 2 × 1.3721, अब देखो ये क्या है वंस और ये क्या है हमारा टेंस तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज क्या है ये वंस और ये टेंस, बस आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये है डेसिमल के बाद वाली तो इसमें 2 है, ये डेसिमल के बाद जस्ट बाद क्या होता है टेंथ होता है ना, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज टेंथ TENTH याद रखना इस चार्ज का टेंथ, क्योंकि डेसिमल के ये बाद है और बाद का जस्ट पहला ही अक्षर तो टेंथ। अब यहां पे देखो प्लेस वैल्यू ऑफ 2
अब डेसिमल है, डेसिमल के बाद पहले वाला टेंथ होता है, दूसरे वाला हंड्रेड होता है, तो यहाँ पे भी प्लेस वैल्यू ऑफ टू इज कौन सी है, ये टेंथ और ये हंड्रेड, एच यू एन डी आर ई टी एच हंड्रेड होगी, ठीक है। अब ये क्या है, डेसिमल है और उसके बाद देखो पहले टेंथ फिर हंड्रेड, तो ये हो गया थाउजेंड, तो प्लेस वैल्यू ऑफ टू इज थाउजेंड, टी एच लग जाएगा, ठीक है। आया समझ में, है ना सारे से क्वेश्चन। तो आज मैं आपको सिर्फ इतने ही क्वेश्चन करवाऊंगी, साथ साथ अपने फेयर कॉपी में आपने जरूर करनी है पीछे वाले क्वेश्चंस भी और जो आज करवाए हैं ये भी। सो हैव ए नाइस डे।